और अब एक बार फिर आपको बताएं कि पिशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। पुलिस अहलकारों समेत 28 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। कमिश्नर पिशावर रियाज महसूद के मुताबिक जख्मियों में ज्यादा तादाद पुलिस अहलकारों की है। धमाके के बाद मस्जिद का मरकजी हॉल मुनहदिम हुआ। मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। खुदकुश हमलावर ने नमाज जहर की अदायगी के दौरान खुद को धमाके से उड़ाया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हमलावर पहली सफ में मौजूद था। पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 20 के करीब जख्मियों की हालत जो है वो तश्वीशनाक बताई जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है। पुलिस लाइन के दाखिले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। गवर्नर साइबर पखुखा हाजी गुलाम अली की शहरियों से ओ नेगेटिव खून अतिया करने की भी अपील की गई है। इसी तमाम तस्वीरों के हाल पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा जिशान काका खेल से। जिशान काका खेल, आपकी जगह पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब तक जो है 30 अफराद अगवा हुए हैं और 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। भारी मशीनरी जो है वो पहुंचा दी गई है, क्योंकि मलबा बताया जाता है कि काफी ज्यादा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पिशावर से हमने बात की, वो खुद अंदर गई और उन्होंने इन्हीं जो शायद है उनसे भी बात की, तो उनके मुताबिक 24 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। जो मरकजी हॉल है, जो मेन हॉल है, वो गिर गया है ब्लास्ट की वजह से, जिसके बायस जो है जो रेस्क्यू एहलकार है और इस ऑपरेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये जगह काफी ज्यादा कंजस्टेड है, जाने वो टेली कम्युनिकेशन का दफ्तर है, तो इसके बैक साइड पर पुलिस की एक क्वार्टर्स है जहाँ पर पुलिस एहलकार रह रहे हैं और ये इलाके में जो है इस वक्त ऑपरेशन जारी है। और बताया जाता है कि अब तक 30 अफराद इसमें जाबाक हुए हैं और 150 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। अब भी कुछ कुछ जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, तो एहतियात के साथ और तरीके के साथ जो है मलबे को हटाया जा रहा है और उसके बाद जो जो जख्मी अफराद बाहर निकलता है तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि ताबूतों को पुलिस के अंदर जो है वो ले गए हैं। लगता है कि कुछ मजीद डेड बॉडीज भी वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन ताहाल जो है वो ताबूत बाहर नहीं आए हैं। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट से जितने भी गेट है उसको बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो लवाइकीन है वो आहो शिक्षा लेते हुए जो है पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है और अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। कुछ अस्पताल पहुंच चुके हैं तो कुछ यहाँ का भी उन्होंने दौरा किया हुआ है, यहाँ पर भी मौजूद है और देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनका कोई रिश्तेदार, कोई करीबी दोस्त वो तो इसमें जाबाक या जख्मी नहीं हुआ है। इस वक्त शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ज्यादातर बोस जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल पर है, क्योंकि वो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर वाकिया है, तो इससे ज्यादातर जो जख्मी है वो उसको वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल का जो तर्जुमान है लेडी रीडिंग का, उनका यही कहना है कि 150 से जायद जो जख्मी अफराद हैं और 30 से जायद डेड बॉडी जो है उसको अब तक मौसूल हो चुकी है, लेकिन खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद जख्मी और डेड बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि ये ब्लास्ट काफी ज्यादा हैवी था और इसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई गई। जो इन साइटीन निकल रहे हैं उससे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि कुछ लोग तो नमाज के लिए खड़े होने वाले थे और एक ब्लास्ट हुआ, जबकि कुछ लोग जो है वो बाहर थे अपने दफातर में थे और उन्होंने दूर दूर तक आवाज़ ही सुनी, वो घबरा गए, लेकिन वो डर के मारे अपने दफातर से बाहर नहीं आ रहे थे। अब जब उनको क्लियरेंस का सिग्नल मिल गया है तो वो अब अपने दफातर को छोड़ रहे हैं। इस वक्त सेक्रेटेरिएट को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस लाइन में जितने लोग थे, जो मुलाजमीन थे, मुख्तलिफ दफातर है, सीसीटीवी का दफ्तर इनके साथ बहुत करीब है, इसके साथ साथ दूसरे SSP ऑपरेशन CPO वो भी यही मकाम पर बैठा है, तो हो गए हैं। अब पुलिस एहलकार जो है वो हाई अलर्ट है, पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और इस वक्त सूरत हाल यही है। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि 24 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में, और इसलिए जो है वो ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया, क्योंकि अगर रात की तारीख आती है तो उसमें जो है ऑपरेशन कंटिन्यू करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हेवी
अथॉरिटी से हैवी मशीनरी को जो है बुला दिया गया है। इरीगेशन डिपार्टमेंट और पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो हैवी मशीनरी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। न सिर्फ LRHO में जो है वो मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है बल्कि हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी मुतद मरीजों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। जो निजी अस्पताल है पिशावर के वहाँ पर भी मरीजों को मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ मिनट कबल जो है तो 3 मजीद जख्मियों को जो है वो निकाल लिया गया और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो लग यही रहा है कि मजीद जख्मी भी हो सकते हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मजीद जख्मी भी मलबे तले दबे हो सकते हैं। सुशांत का सखेल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लेडी टिंग अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदा आरिफ खान, उनसे वहाँ की सिचुएशन जान लेते हैं। आरिफ खान बताइएगा कि अब तक कितने जख्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डॉक्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है, जख्मों की नोयत किस तरह की है? जी बिल्कुल, इस वक्त